हाँ तो भाई कैसे हो सारे। हनी पाजी के करियर की 3 एल्बम्स अगर अपन ग्लोरी को छोड़ दें, फर्स्ट इंटरनेशनल विलेज है भाई, टोटल व्यूज 952 मिलियन प्लस थे, टोटल लाइक्स 8.8 मिलियन प्लस, देसी कलाकार टोटल व्यूज 817 मिलियन प्लस व्यूज, टोटल लाइक्स 9.6 मिलियन प्लस, हनी 3.0 टोटल व्यूज 539 मिलियन प्लस, टोटल लाइक्स 30 मिलियन प्लस। और जो हनी 3.0 एल्बम है भाई साहब, वो इंडिया की सेकंड मोस्ट लाइक्ड एल्बम है, वो भी भाई कोई बॉलीवुड की एल्बम नहीं है। और ये एल्बम तो एवरेज थी भाई हनी पाजी के हिसाब से, बाकी इंटरनेशनल विलेजर और देसी कलाकार इन पे लाइक्स कम है। उसका बहुत बड़ा रीजन है, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ब्लूटूथ शेयरिंग हुआ करती थी, दैट्स व्हाई जो है इतने कम लाइक्स है। आज के जमाने में अगर ये एल्बम आ जाती तो कईयों की दुकान बंद हो जाती, और कई आर्टिस्ट के तो भाई 500 गाने के लाइक्स भी अगर अपन मिला लेते ना पूरे करियर के, तो भी भाई इतने लाइक्स नहीं आ पाते जितनी इन एल्बम्स पे आ जाते, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है भाई। अब ग्लोरी एल्बम को मोस्ट लाइक्ड एल्बम बनाना है भाई इंडिया की, तुम लोग ऐसे ही सुनते रहो और भाई फैलाते रहो एल्बम को। बाकी हाई ऑन मी ट्रैक ने भाई 15 मिलियन प्लस व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं विद ऑलमोस्ट 1 मिलियन लाइक विद इन 5 डेज, नंबर 1 ट्रेंडिंग से अभी भी नहीं हटा है फर्स्ट डे से। बाकी ग्लोरी एल्बम से पायल ट्रैक अगर ऑडियोज की बात करें तो मोस्ट व्यूड ट्रैक बन चुका है भाई YouTube पे, ये कोई म्यूजिक वीडियो नहीं है, 10 मिलियन प्लस व्यूज कंप्लीट कर लिए विद ऑलमोस्ट 5 लाख लाइक्स विदाउट एनी एड्स विदाउट एनी प्रमोशन। ये सीन है भाई हनी पाजी का, लोगों को ये ट्रैक काफी पसंद आ रहा है, बस पाजी जल्दी से इसकी वीडियो कर दें एक तगड़ी सी। बाकी कईयों के भाई 5 मिलियन व्यूज नहीं आ पाते हैं ऑर्गेनिक, वो भी म्यूजिक वीडियो पे एड्स लगा लगा के प्रमोट करना पड़ता है। खैर ये तो तुम्हें पता ही होगा, हनी पाजी एंड करण औजला दोनों का मीटअप हो चुका है फाइनली। करण औजला ने रिएक्ट भी करा है हनी पाजी पे, तुम चेक करो। कैसी परफॉर्मेंस है हनी पाजी? मुझे ऐसा लग रहा है जियान कहीं करण औजला से दोस्ती ना खत्म कर दे, अनफॉलो ना कर दे, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा जलनखोर है। आपको एग्जांपल देता हूँ, पैराडॉक्स को ये बंदा पहले फॉलो किया करता था, पैराडॉक्स से अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जैसे ही पैराडॉक्स अपनी हनी पाजी की टीम में आया, हनी पाजी के साथ में गाने करे, ग्लोरी टूर में भी हनी पाजी के साथ में रहा, इस बंदे को इतनी जलन हुई कि इसने पैराडॉक्स को ही अनफॉलो कर दिया, तुम देख सकते हो, लेकिन पैराडॉक्स अभी भी फॉलो करे। खैर जियान की बातचीत दो कौड़ी के आर्टिस्ट की बातचीत हो ही रही है, तो ये बंदा ना भाई कोई कसर नहीं छोड़ रहा है अपनी इमेज साफ कराने में, इससे जो हो रहा है वो कर रहा है, पैसे दे दे के इंटरव्यू करा रहा है, फेक प्रूफ्स बनवा रहा है भाई प्रॉपर। और जो DHH की क्लाउन ऑडियंस है भाई साहब, वो विश्वास भी कर रही है इंदीप बख्शी पाजी वाला, और इसका सीन तो तुम्हें पता ही होगा, इंदीप बख्शी ने जो है भाई प्रॉपर प्रूफ्स दिए थे कि ये बंदा एक नंबर का क्रेडिट चोर है, इसने मेरे कितने गाने चुराए हैं और कईयों के गाने चुराए हैं, ये मैटर दबा देता है भाई एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में पैसे देके। तो नौडी खान ने जो है इस बंदे को एक्सपोज कर दिया है, सच का इंटरव्यू तो तुमने देखा ही होगा राजजोन्स के चैनल पे जो आया था, वहां पे ये लोग प्रूफ दे रहे हैं, फाइल्स दिखा रहे हैं कि भाई बर्बरी चेक्स ट्रैक हम लोगों ने ही बनाया था उस टाइम की। तो भाई सीन ऐसा है, क्रिएशन डेट भी चेंज हो जाती है भाई फाइल्स की। भाई मैंने ना एक गाना बनाया था सिटी लॉकडाउन, जैसा कि आपको पता लॉकडाउन लगा था भाई 2020 में, बट मैंने गाना बनाया था 1986 में, नहीं होता ना विश्वास, ये लो ये देखो सिटी लॉकडाउन गेट इन्फो 10 जनवरी 1986 खुल गया यहाँ पे गाना सुन लिया गाइस आपने। अब इसकी मैं ऑडियो फाइल भी चेक करा देता हूँ, सिटी मेरा लॉकडाउन मीडिया ऑडियो फाइल्स प्ले करके देख लेते हैं। सीडी मेरा लॉकडाउन है सुनना पे सारा टाउन है। ओके गेट इन्फॉर्मेशन 29 अप्रैल 1986 12:50 देखा फिर मानते हो भाई को सब गोलमाल है बाकी यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बाय।